हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसके अंदर अपन अलग अलग टाइप के मनी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मुझे एक चीज़ बतानी है। एक चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिस मटेरियल से बनी है, यानी जो भी कॉइन वगैरह है, नोट वगैरह है, उसका जो मटेरियल है, उस मटेरियल की जो वैल्यू है उसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहले के ज़माने में गोल्ड कॉइन्स चलते थे। ठीक है, तो ये गोल्ड कॉइन्स जो है ये प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। ठीक है, तो मान एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी इस पर अगर लिखा है मान लीजिए 50, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो इस पर छपी वो 50 है। लेकिन अगर इस गोल्ड को मैं पिघलाऊंगा और मार्केट में सेल करूंगा तो वो मुझे 100 रुपीज़ देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो कितनी थी? 100। ठीक है, लेकिन मार्केट में एक्सचेंज में ये कितने में जा रहा है? 50। क्यों? क्योंकि इस पर छपा हुआ 50 है। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और जैसे सेम टू सेम अपनी पेपर नोट्स होती है, तो पेपर नोट क्या होता है? एक ये नोट हमारी जो है उसके ऊपर मान लीजिए छपा है 200। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है या एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कितनी है? 200। मार्केट में हम कुछ भी 200 का गुड बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस कागज़ को बेचने जाऊँ, ठीक है, यानी ये जो मटेरियल जिससे ये नोट बनी है, तो इसकी हार्डली वैल्यू होगी 20 रुपये। ठीक है, अब होता क्या था, सबसे पहले जो टाइप का मनी है वो है कमोडिटी मनी। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम देखेंगे जो सबसे पहले टाइप का मनी है। ठीक है, सबसे पहले टाइप का मनी है कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी में क्या होता था, कोई भी एक कमोडिटी यूज़ होती थी। जैसे कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ जैसे कौड़ी चलती थी। ठीक है, यानी इंडिया में सुना होगा कौड़ी के दाम। तो कौड़ी क्या होता है, असल में समुद्र से मिलने वाली एक ये चीज़ होती है, इसे हम लोग एक्सचेंज में यूज़ करते थे एज अ मनी। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लीटर मिल्क चाहिए। ठीक है, तो उस समय मान लीजिए कि उसका जो प्राइस चला था वो चला था 50 कौड़ी। यानी आप कहीं से भी 50 कौड़ी लाइए और उसके बदले में क्या होगा, 1 लीटर मिल्क मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कौड़ी को हम बोलेंगे कि ये कमोडिटी मनी है। ठीक है, यानी एक्सचेंज में यूज़ हो रही है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण ये यूज़ हो रही है। ठीक है, कि हो सकता है इस कौड़ी को वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर ले। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी, तो जो ये कमोडिटी मनी थी इनकी कुछ डिसएडवांटेज थे। पहला तो ये कि भाई ये पेरिसेबल हो सकती है, यानी हर बार हर जगह कोई अलग अलग चीज़ होती है। जहाँ जैसे एक कंट्री थी वहाँ पे कोकोआ जो बीन्स होती है कॉफ़ी की, उसको कमोडिटी मनी के तौर पे यूज़ करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, पेरिसेबल हो जाए, ठीक है, फंगस वगैरह लग जाए, यानी कि ये पेरिसेबल हुई तो ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह में ख़राब हो जाए। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके का बार्टर सिस्टम ही है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए, और इसमें दिक्कत ये भी है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल कैसे, मान लीजिए कि एक हाई टाइड आती है पानी में और बहुत सारी कौड़ियाँ आके बीच जो होता है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होगा, इसका दाम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ये 1 लीटर मिल्क के लिए 50 कौड़ी मिल रही थी, अब अगर इतनी सारी कौड़ियाँ प्रेजेंट है तो हर कोई इतनी तो ले आएगा 50, तो अब क्या होगा, अब मिल्क 500 कौड़ी में बिकेगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग मनी में कि ये कैसे होता है। तो इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखें तो इससे एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कौड़ी हमारे यहाँ भले एक्सेप्ट हो जाती, लेकिन दूसरा देश बोलता है कि ये क्या फालतू चीज़ है, ये तो हमारे यहाँ भी मिलती है। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, और फिर बात आ जाती है फोर्थ में कि यूनिटी नहीं है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि कोई सी कौड़ी हो सकता बड़ी हो छोटी हो, तो इनके दाम कैसे फिक्स करें ये सब, ठीक है? तो ये सब दिक्कत थी कमोडिटी मनी में, ठीक है? कमोडिटी मनी होता क्या है? तो ऐसा मनी जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, यानी इसका जो मटेरियल जिससे ये बना हुआ है, ठीक है, उसके कारण इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी, ठीक। स्टेज टू यानी कि इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा मेटलिक मनी। अब सेकेंड टाइप है मेटलिक मनी, ठीक है। जैसे ही राजा महाराजा किंग वगैरह इस्टेब्लिश हुए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेटल के कॉइन स्टार्ट कर दिए, मेटलिक मनी, ठीक है। मेटलिक मनी में क्या होता है? तो मेटलिक मनी में कोई भी एक मेटल, गोल्ड सिल्वर वगैरह, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर शेप दे देते थे, ठीक है, ऐसा दे दे या ऐसा दे दे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करते थे? एक स्टैम्प पंच कर देते थे, ठीक है, अपना जो भी राजा है उसके लिए। इससे क्या होता था? इससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती थी कि हाँ भाई, अगर इस राजा का है कॉइन तो इस कॉइन की इतनी वैल्यू रहेगी फिक्स, ठीक है। तो इसमें गोल्ड कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे, ठीक है, इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इस बिंदास इस कॉइन का जो भी गोल्ड है उसके अंदर जो वैल्यू है, यानी कि इसके अंदर जो भी गोल्ड बनाने में लगा उसकी वैल्यू से ही ये मनी चलता था, ठीक है। ये भी मेटलिक मनी, ये राजा महाराजाओं के टाइम यूज़ होता था, ठीक है। जैसे कि जो कुषाण किंग्स वगैरह थे, ठीक है, ये सब हिस्ट्री में आएगा। कुषाण किंग्स हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, इनके समय अच्छे क्या बोलते गोल्ड कॉइन्स थे, तो उसी को कहते हैं मेटलिक मनी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो मान लीजिए कि किसी के पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हमारी RBI जो है अभी प्रेजेंट के कंडीशन में वो बहुत सारी नोट्स प्रिंट करके सबको 1-1 लाख रुपए बांट दें, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि मान लीजिए कि मार्केट में जो गुड्स है उनकी सप्लाई तो लो है, लेकिन सबके पास अब हाई फाई मनी आ चुका है, यानी कि वो क्या करेंगे? बड़ी बड़ी चीज़ें डिमांड करेंगे। अब सप्लाई तो है नहीं और डिमांड ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेशन एट वेरी हाई रेट, यानी बहुत हाई रेट पर होता है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल डिजिट चले जाता है। अब मेटलिक मनी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? मेटलिक मनी के बेनिफिट्स भी है कुछ, जैसे कि बेनिफिट्स में पहला आएगा कि देखो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर ऐसे प्रीसियस मेटल्स के बने होते थे और ये मेटल हर जगह मिलना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन जो अभी समझाया वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन हाईफाई नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, ठीक, क्योंकि ये भाई बहुत प्रीसियस मेटल का बना है, तो इसका मतलब ये खतरा भी नहीं रहता कि यार ये कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए मैं मार्केट में जाता हूँ मेटलिक मनी लेके, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैं उस मेटल को पिघला के किसी और चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ, ज्वेलरी वगैरह ये वो, ठीक है, और फिर उसे बेच सकता हूँ। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इसलिए उतना मतलब डरते नहीं थे लोग इसको यूज़ करने में, ठीक है। फिर ये मेटल का बना थी, नॉन पेरिसेबल भी था, ठीक है, और हाँ ये फंजिबल भी था। अब ये फंजिबल क्या होता है? ठीक है, तो फंजिबल होता है कि उससे हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और जब अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो सारे पार्ट मिला के पूरे एक कॉइन के बराबर होंगे, ठीक है। इसे और अच्छे से आगे समझाऊंगा, ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि ये फंजिबल होता है। और इससे एक और चीज़ हो गई कि फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल हो गया, क्योंकि प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं उनकी तो वैल्यू हर जगह थी, ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड इससे आने लग गया। ये इसके क्या थे? इसके बेनिफिट्स थे। और इसी के कारण क्या हुआ था? इसी के कारण जब हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा मतलब पेपर वगैरह इनका ट्रेड होता था, स्पाइसेस, तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आता था, ठीक है, इसीलिए इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। तो अब इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं डीबेसमेंट ऑफ मनी, ठीक है। डीबेसमेंट क्या होता है? तो मेटलिक मनी में एक चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कि एक कोई अच्छा राजा है, ठीक है, जिसका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या करेगा? वो एक गोल्ड कॉइन छपवाएगा जिसका वेट होगा 50 ग्राम्स, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है कि भाई इसका एम्पायर बहुत हाईफाई है, एकदम गोल्ड भर भर के भरा है, ठीक है। लेकिन बाद में कोई ऐसा राजा आता है जितना फेमस नहीं रहा, तो क्या करेगा?
मान लीजिए कि कॉइन जो था इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू 50 थी। अब अगला जो राजा आया वो वीक है, उसके पास गोल्ड की कमी है क्योंकि उसका एम्पायर बहुत ही लो चल रहा है, तो क्या करेगा वो इसी कॉइन के वजन को कम कर देगा, यानी इसमें से गोल्ड की वैल्यू कम कर देगा 25 ग्राम। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अब इसे डीमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये वाला सिक्का बंद हो गया या कुछ, इसे कहते हैं डीबेसमेंट, डीबेसमेंट ऑफ कॉइन। अब मेटलिक मनी के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे पहला आता है फुल बॉडीड कॉइन, ये मेटलिक मनी के अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होगा कि भाई इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जिस मटेरियल का ये बना है, या तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी उसके फेस वैल्यू से यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। क्या है इसका मतलब, तो मान लीजिए एक सिक्का है जिस पर छपा है 5 रुपीज़, ठीक है, लेकिन इसके मेटल को अगर मैं पिघला दूँ और उसके बाद उस मेटल को बेचने जाऊँ तो वो मेटल बिकेगा 6 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फुल बॉडीड कॉइन है, फुल बॉडी कॉइन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो मेटल था इंट्रिंसिक वैल्यू वो इसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा थी। ठीक है, असल में ऐसा हो भी रहा था हमारे यहाँ इंडिया में, क्या होता है जो 5 रुपीज़ का कॉइन है वो पहले आता था थोड़ा सा मतलब बल्कि आता था, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसे एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब बांग्लादेश वाले क्या करते थे वो इस कॉइन को ले जाते थे यहाँ से ख़रीद के 5-5 रुपीज़ में, इसको मेल्ट करते थे और इससे ब्लेड्स बनाते थे, ठीक है, जो रेजर होती ब्लेड्स वो, और पर कॉइन से 3 ब्लेड्स बनती थी और इन ब्लेड्स को 2 रुपीज़ के हिसाब से बेचते थे तो 6 रुपीज़ मिलते थे। ठीक है, यानी ये लोग क्या करते थे, 5 रुपीज़ का कॉइन इंडिया से ले जाते थे, उसे मेल्ट करके 6 रुपीज़ की ब्लेड बना के बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। इसी के कारण क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इन कॉइन्स को बहुत ही पतला कर दिया, जैसे आज हम देखते हैं कि 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, या 10 रुपीज़ का भी कॉइन है, तो ये बहुत बारीक बारीक आने लग गए। ठीक है, उसका कारण यही है, उनको पता है टोकन कॉइन कर दिया गया। टोकन कॉइन क्या होता था, इसका अगला स्टेप जो है यानी मेटलिक मनी का अगला टाइप है टोकन कॉइन, टोकन मनी। अच्छा, इसमें कुछ खराबियां भी थी ये बताना ज़रूरी है, एक तो मैंने जो बताई वो, ठीक है, एक हो सकता होर्डिंग, होर्डिंग हो जाए, होर्डिंग केस है, मान लीजिए कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो मेटल है उसके चक्कर में लोग क्या करें, इन सिक्कों को अपने पास इकट्ठा करके रख ले, धीरे धीरे क्या होगा कॉइन्स की शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो इस मेटल की वैल्यू बढ़ेगी, बाद में ये जो होर्डिंग किया हुआ कॉइन है इसको पिघला के ये लोग मेटल को बेच देंगे। ठीक है, यानी कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये पूरा कॉइन को रख ले जब तक वो मेटल का प्राइस नहीं बढ़ता, जैसे वो मेटल का प्राइस बढ़ेगा ये सारे कॉइन्स को पिघला के बेच देंगे। ठीक है, तो इसमें होल्डिंग भी होने का खतरा था। ठीक है, तो उसके कारण फिर क्या हुआ, उसके कारण आया टोकन कॉइन्स। ठीक, टोकन कॉइन्स में क्या होता है, तो टोकन कॉइन्स में ये होता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो लेस होगी फेस वैल्यू से। सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि मान लीजिए एक कॉइन है 5 रुपीज़ का, इसको जब मैं मेल्ट करूँगा और इसको सेल करूँगा इसके मतलब मेटल को, तो मुझे मिलेंगे 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़, तो इसे मैं कहूँगा कि ये टोकन मनी है या टोकन कॉइन है, क्यों, क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो मैंने मेटल निकाला उसकी वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कम थी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊँगा क्या, नहीं, इसको मैं डायरेक्ट जो मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें यूज़ करूँगा। इसके लिए एक और चीज़ ये भी करी थी कि जो कॉइन है चेक्ड है, यानी ये मेल्टिंग जो है बांग्लादेश वाला जो केस बताया उसमें मेल्टिंग बहुत कर रहे थे लोग, तो कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत अगर कॉइन मेल्ट करते हैं आप लोग तो 7 ईयर्स की जेल होती है, ठीक है, और फाइन भी लगता है। ठीक है, तो ये एक बदलाव किया गया था कॉइनेज एक्ट में, ठीक है, एक अमेंडमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रिफॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब जो कॉइन्स आते हैं 10 रुपीज़ वगैरह के, ये बहुत ही बारीक आते हैं, ठीक है, ताकि इनका मेटल अगर कोई पिघलाए भी तो फेस वैल्यू से कम वैल्यू मिले। ठीक है, यानी उनको टोकन मनी बना दिया सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो। अब ये हो गया, लेकिन मेटलिक मनी के भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, मेटलिक मनी की प्रॉब्लम क्या थी, तो बल्क ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो नहीं हो सकते, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में ट्रांजेक्शन करना 1 करोड़ का, ठीक है, तो 1 करोड़ के अगर मैं कॉइन्स या मेटलिक मनी लेके जाऊँ तो उनका वजन इतना हो जाएगा कि उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में मुझे शायद लाखों रुपए लग जाए। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल की शॉर्टेज, यानी भाई इस कॉइन को जो छाप रहे हैं
उसका जो मेटल है अगर वो उसकी शॉर्टेज हो गई तो फिर क्या होगा, तो कॉइन की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, यानी मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो भी दिक्कत है, ठीक है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट ने बता ही दिया, ठीक है, तो इससे होने लगा क्या, इससे एक सिस्टम चलने लगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर बैठा है और इसको इस व्यक्ति को पैसा भेजना है, ठीक है। अब अगर ये ट्रक से भेजेगा तो क्या होगा, इसे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है, इतने कॉइन्स भेजने की। तो क्या करता है, ये सीधा जाएगा किसी मर्चेंट गिल्ड के पास, यानी एक और व्यक्ति मर्चेंट गिल्ड, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको सारे कॉइन्स देगा, ठीक है। ये मर्चेंट गिल्ड वाला क्या करेगा, इसको एक रिसिप्ट देगा, पेपर रिसिप्ट, ठीक है, जिस पर लिखा रहेगा कि हाँ भाई तूने मेरे को इतने पैसे दिए, ठीक है। इस मर्चेंट गिल्ड का एक दोस्त होगा, इसको ये फ़ोन लगा के कह देगा कि ये व्यक्ति जो है इसको इतने कॉइन दे दो, ठीक है, बीच में अपना ये कमीशन काट लेगा। यानी क्या हुआ, इसने यहाँ के यहाँ कॉइन जमा किए, इसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, इसके दोस्त ने वहाँ पे उतने ही कॉइन इसको दे दिए, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं देगा, ये जो रिसिप्ट थी, ये रिसिप्ट इसके पास जाएगी, ये रिसिप्ट ये इसको दिखाएगा और इसको कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम चलने लगा। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये जो रिसिप्ट जो मैंने एग्जांपल बताया, इस रिसिप्ट को बोलते हैं फिडूसियरी मनी, ठीक है। फिडूसियरी मनी अगर आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सचेंज का काम आता है उस मनी को कहते हैं फिडूसियरी मनी। अब कॉइन से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि भाई इसके ट्रांजेक्शन वगैरह का क्या है, ठीक है। तो जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है प्रिंट करती है। बाकी देखा होगा 1 रुपये की जो नोट है, 1 रुपी नोट, वो भी गवर्नमेंट प्रिंट करती है। तो कॉइन और 1 रुपीस नोट, इन दो को छोड़ के बाकी जितना भी बच गया, जितना भी, यानी कि 5 रुपये, 50 रुपये, 2000 रुपये, ये सब RBI प्रिंट करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो 1 रुपये का पेपर नोट है, इसके ऊपर साइन कौन करता है, तो इसके ऊपर साइन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। जबकि ये जो बाकी के बल्क नोट्स हैं, साइन सिक्कों पे नहीं होती, ठीक है, साइन बाकी के जो नोट्स हैं उन पे होती है। तो 1 रुपीस के नोट पे कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, और बाकी के नोट्स जो हैं उस पे करता है RBI का गवर्नर, ठीक है। असल में वहाँ पर लिखा रहता है कि भैया आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 2000, और जितने की भी नोट है उतना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो नोट है मेरे हाथ में, उस पर 200 लिखा हुआ है, ठीक है, गांधी जी भी बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो नोट कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो उस नोट पे एक लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, और नीचे RBI गवर्नर की साइन होती है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्चे को लेके जाऊँगा, RBI को दूंगा, तो RBI मुझे इसी मुद्रा में दूसरी नोट वगैरह या कुछ भी दे देगी जिसका वैल्यू 200 रुपीज़ हो, ठीक है। यानी या तो कोई मेटल दे दे, फिजिकल असेट जो उनके पास रखा है, हालांकि ऐसा नहीं करते वो लोग, क्या करते हैं वो लोग, नोट्स दे देते हैं, दूसरी नोट दे देंगे, 100 की 2 दे देंगे, ठीक है, जिसको मैं मार्केट में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर RBI गवर्नर की साइन थी। तो ये आपको बताना था कि कॉइन्स कौन छापता है, गवर्नमेंट, 1 रुपये की नोट कौन छापता है, तो वो भी गवर्नमेंट ही छापती है, फाइनेंस सेक्रेटरी, और जो बची हुई चीज़ें हैं उनको RBI प्रिंट करता है और RBI का गवर्नर साइन करता है। अब बात आती है कि कॉइन को हम ट्रांजेक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैं बताऊंगा ये सब थ्योरी है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। तो वेट अ मिनट, सो कॉइन्स में ये होता है कि जो कॉइनेज एक्ट है, कॉइनेज एक्ट, ठीक है, जिसको 2011 में अमेंड किया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अप टू 1000 रुपीज़ एक्सेप्टेड है कॉइन्स में, ठीक है। यानी कि मैं कॉइन्स से ट्रांजेक्शन जो भी करूँगा उसमें मैं 1000 रुपये तक की वैल्यू के लिए ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि वो ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो 5 रुपये या 10 रुपये ऐसे कॉइन्स में होने चाहिए, ज़्यादा छोटे कॉइन्स भी नहीं होने चाहिए। सो नेक्स्ट अब चीज़ आएगी, टाइप्स ऑफ मनी, जिसमें पहला है फिएट मनी, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो है फिएट मनी। फिएट मनी में क्या होता है, तो फिएट मनी के लिए 2 कंडीशंस होना ज़रूरी है। पहली कि वो फिज़िकल या फिर डिजिटल फॉर्म में
कोई भी कॉइन या नोट हो दैट कैन मेजर वैल्यू, यानी अगर हम सिंपल कहें तो ये मनी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या कि वो फिज़िकल और डिजिटल रूप में कोई कॉइन या नोट जैसा होना चाहिए जो कि वैल्यू मेज़र कर सके, ठीक है। दूसरा ये कि इसको किसी ने इशू करना चाहिए, किसी किंग क्वीन यानी जहाँ मोनार्की है वहाँ पे किंग क्वीन, और जहाँ पे हमारा जैसा रिपब्लिक है वहाँ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक, इन्होंने इशू करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो ही हम मानेंगे कि हाँ भाई वो फियाट मनी है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, फियाट मनी में 200 रुपीज़ नोट, क्या ये 200 रुपीज़ नोट है? बिल्कुल है। क्या इससे मैं मेज़र कर सकता हूँ वैल्यू? बिल्कुल, ठीक है, इससे मैं किसी भी चीज़ की मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़, क्या इसे किंग क्वीन या बैंक ने इशू किया है? तो बिल्कुल, अभी हमने देखा कि इसको प्रिंट किसने किया, RBI ने, ठीक है, RBI हालांकि एक एजेंट है, ठीक है, तो RBI ने क्या किया, इसको प्रिंट किया, यानी सेंट्रल बैंक ने किया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी। तो मैं कह दूंगा कि फियाट मनी का एग्जांपल है 200 रुपी नोट। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा होगा एक बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन पता नहीं कैसा उसका बनता है, ठीक है। अब बिटकॉइन एक फिजिकल रूप में कॉइन और नोट है, तो बिल्कुल है, लेकिन क्या इसको कोई गवर्नमेंट क्वीन इसने इशू किया है? तो नहीं, इसका मतलब यहाँ पर जो है बिटकॉइन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है इनको कोई किंग क्वीन इशू नहीं करता, ठीक है। जैसे जो बिटकॉइन है उसको किसी, पता नहीं क्या नाम है उसका, हितोशी वगैरह ऐसा कुछ नाम है, सतोशी ऐसा कुछ नाम है, तो उस व्यक्ति ने इसको निकाला था। सो ये जो है ये फियाट मनी नहीं है। फियाट मनी जो भी होगा उसके लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है, पहला तो वो एक फिज़िकल और डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए और उसको किंग क्वीन इन्हें इशू करना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस में जो बैलेंस बता रहा है, ठीक है, बैंक बैलेंस, ठीक है, जैसे मैंने पेटीएम खोला, उसके अंदर गया और बैंक बैलेंस चेक किया, तो मान लीजिए उसमें 20 रुपीज़ बता रहा है, ठीक है, तो क्या ये जो डिजिटली फॉर्मेट में बता रहा है क्या ये फियाट मनी है? तो देखो ये डिजिटल रूप में है, बिल्कुल है, तो पहली चीज़ तो सही। दूसरी, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है? तो बिल्कुल, ये जो 20 रुपीज़ है ये मेरे बैंक में जब मैंने डाले तो ये मेरे पास कहाँ से आए थे? तो ये किसी 20 रुपये नोट थी, ठीक है, जो कि RBI की थी, यानी कि सेकेंड कंडीशन भी वो फुलफ़िल कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पेटीएम वगैरह के जो बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, उनके अंदर जो मनी बताता है डिजिटल रूप में वो भी फियाट मनी है, ठीक है। अब इसमें मैं पेटीएम वॉलेट में जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं उनको काउंट नहीं करने का, क्यों? क्योंकि वो जो कॉइन्स मिलते हैं जिससे मैं सिर्फ पेटीएम पे शॉपिंग कर सकता हूँ, वो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के नहीं होते, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाए, आपके सामने जो भी सवाल है उसमें दो कंडीशन देखना, पहली तो क्या वो फिज़िकल या डिजिटल फॉर्मेट में है और क्या उससे मेज़र कर सकते वैल्यू, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, आगे जाके आएगा, एक ऐसा पर्चा होता है GSEC, ठीक है, जिसको मैं एक पर्टिकुलर रेट पर ख़रीदता हूँ, जैसे 100 में ख़रीदा, 10 साल के बाद ये मैच्योरिटीज़ की आ जाएगी और उस पर मेरे को 8% पर एनम मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये पहली वाली डेफिनेशन में आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि GSEC जो है इससे मैं किसी चीज़ की वैल्यू नहीं मेज़र कर सकता, ठीक है। मान लीजिए कि कल को एक किसान ने गेहूँ उगाया, तो मैं उसको जाके 10 GSEC नहीं दे सकता कि ये लो 10 GSEC तुम्हारे गेहूँ की वैल्यू, ठीक है। तो पहली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई। और दूसरी अगर देखूँ, क्या GSEC गवर्नमेंट इशू करती है? तो बिल्कुल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, RBI निकालती है एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन फुलफ़िल हो गई लेकिन फर्स्ट रह गई, ठीक है। तो फियाट मनी वही होगा जिसकी दोनों हो जाए। और आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप वैल्यू मेज़र नहीं करते, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड भी है तो उसके अंदर से जो पैसा निकलेगा वो पैसा फियाट मनी है, लेकिन वो पर्टिकुलर अगर क्रेडिट कार्ड पूछा है तो क्रेडिट कार्ड जो है वो फियाट मनी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड अगर मैंने लिया या डेबिट कार्ड, तो इससे मैं वैल्यू मेज़र नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि 4 क्रेडिट कार्ड के बराबर क्या बोलते हैं उस किसान के गेहूँ हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं करते लोग, चेक्स वगैरह वो भी इसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। चेक के अंदर लिखी गई राशि और उस बैंक में जमा राशि में फ़र्क होता है, ठीक है। चेक जो है वो एक कागज़ है,
ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ पैसा जो कि बैंक में जमा है वो है मनी, फियाट मनी, लेकिन चेक पूछे अगर एग्ज़ाम में कि चेक क्या है तो वो फियाट मनी नहीं है। ओके, सेकेंड टाइप जो है वो है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, इसके अंदर भी दो कंडीशंस रहती है। पहली तो ये कि ये फिएट मनी होना चाहिए, और दूसरी ये कि जो लेंडर है वो इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता लेने से। ठीक है, कांट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। ठीक है, यानी ये दो कंडीशन अगर फुलफ़िल हो गई तो हम कहेंगे कि वो जो जो पर्टिकुलर करेंसी है वो लीगल टेंडर है। जैसे कि 200 के नोट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज 200 का नोट है तो क्या फिएट मनी है? बिल्कुल है। ठीक है, इससे पहले वाले में देखा था हमने। अब लेंडर इसको ले सकता है नहीं, तो मान लीजिए कि मैंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 20,000 का, सॉरी 2,000 का, ज़्यादा नहीं लेता, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 200 की नोट है ऐसी 10 नोट लेके जाऊंगा और बैंक को 2,000 रुपीज़ पे करूंगा, तो क्या बैंक मुझे मना कर देगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपीज़ की नोट फिएट मनी भी थी और इसको लेना ही पड़ा, लीडर जो लेंडर है वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इसे को कहते हैं लीगल टेंडर। ठीक, फिएट मनी में हम कह सकते हैं कि 500 का जो ओल्ड नोट है क्या ये फिएट मनी है? तो बिल्कुल ये फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि फिएट मनी की दो कंडीशन क्या थी, पहला तो फिजिकल या डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, और मेज़र करना चाहिए वैल्यू। तो बिल्कुल 500 का नोट जो था वो ये काम कर रहा था, यानी पहली कंडीशन थी। सेकंड था किंग या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इसको निकाला जाना चाहिए, तो 500 का जो नोट था वो भी RBI यानी कि गवर्नमेंट के एजेंट ने ही निकाला था, तो सेकंड भी सही है। यानी 500 की नोट्स फिएट मनी है। ठीक है, अभी भी अगर आता है ऑप्शन में कि फिएट मनी में कौन कौन है, तो 500 और 1,000 जो बंद हो चुके हैं वो भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 500 की नोट को लेके जाऊँ अभी, ठीक है, और इसके चार नोट दो और बोलो कि ये मेरा लोन जो है ये मैं चुका रहा हूँ, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं रहा। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये डीमोनेटाइज हो चुका है। ठीक है, अभी सबसे रिसेंट का कंफ्यूजन ये है कि 2,000 का नोट जो है वो भी वापसी जा चुका है, तो क्या वो डीमोनेटाइज हो गया क्या? ठीक है, या वो लीगल टेंडर है या नहीं? ठीक है, तो जितनी अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसके अनुसार देखा जाए तो 2,000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। ठीक है, इतना है कि उसको सर्कुलेशन से बाहर निकाल लिया लेकिन वो लीगल टेंडर है। तो अगर आता है कि क्या 2,000 जो का नोट है वो लीगल टेंडर है, तो बिल्कुल वो लीगल टेंडर है, क्योंकि अभी तक RBI ने ये नहीं कहा कि वो लीगल टेंडर भी नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसी कोई न्यूज़ आती है जिसमें उसको लीगल टेंडर से हटा देते हैं तो फिर उस समय वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास डॉलर है, ठीक, तो क्या डॉलर लीगल टेंडर है? तो जो डॉलर है वो फिएट मनी तो है, ठीक, क्योंकि फिजिकल रूप में है और वहाँ की गवर्नमेंट यानी अमेरिका गवर्नमेंट जो है उसने निकाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ जाके दुकान पे बोलूँ कि ये लो $1, ठीक, और मुझे कोई भी मतलब कमोडिटी दे दो, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक, क्योंकि इसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है, ये बार बार ऑप्शन में आता है PSC UPSC में कि चेक, क्या चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट यानी DD यानी क्रेडिट कार्ड, क्या ये सारी चीज़ें जो है ये लीगल टेंडर है या नहीं? तो देखो, फिएट मनी तो ये वैसे ही नहीं है। जब फिएट मनी नहीं रहा तो लीगल टेंडर की पहली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही। दूसरा, इसको एक्सेप्ट करे या ना करे ये भी लेंडर के ऊपर है। ठीक है, लेंडर मना भी कर सकता है। जैसे कई बार हम बड़े पेमेंट में चेक देने की कोशिश करते हैं लेकिन चेक वो एक्सेप्ट करे नहीं करे ये उसके ऊपर रहता है, पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जैसे 2,000 की नोट अगर, सॉरी 200 की नोट जो है अगर उससे मैं दूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर RBI की साइन है, गवर्नर की साइन है और उसको पता है कि हाँ ये एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फिएट मनी और लीगल टेंडर। अगर हम देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन फिएट मनी है नहीं? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। सेकेंड, अगर देखें कि क्या वो लेंडर जो है उसको रिफ्यूज़ कर सकता, तो बिल्कुल
आज अगर मैं जाऊं और बैंक में अपना पेमेंट सेटलमेंट बिटकॉइन से करूं तो वो लोग बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि बिटकॉइन दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब कुछ स्टेटमेंट है, उनको देख लेते हैं। पहला ये लिखा है कि जो लीगल टेंडर है मस्ट ऑलवेज बी फिएट मनी, यानी जो लीगल टेंडर है वो मतलब हमेशा ही फिएट मनी होना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ऐसा आ सकता है यूपीएससी के फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है यही दे दे कि लीगल टेंडर ऑलवेज बी मस्ट ऑलवेज बी फिएट मनी। ठीक है, तो ये टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री है एल सेल्वाडोर, उसने क्या किया है, उसने जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर घोषित किया है, यानी उनकी कंट्री में आप जाओगे तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बिटकॉइन को हमने देखा था कि बिटकॉइन जो था वो किसी सरकार के किन ने इशू नहीं किया, इसलिए ये फिएट मनी नहीं था, लेकिन फिर भी इसको क्या बना दिया, लीगल टेंडर। तो ये एक एक्सेप्शन है, बट अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि लीगल टेंडर मस्ट ऑलवेज बी फिएट मनी वो भी एवरीवेयर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एल सेल्वाडोर में ऐसा हो चुका है कि वो फिएट मनी ना होते हुए भी लीगल टेंडर है। बट ये सिर्फ एक एक्सेप्शन था। अगर हमसे पूछता कि लीगल टेंडर क्या होता है, तो उसकी ये दो डेफिनेशन होना ज़रूरी है, फिएट मनी होना ही चाहिए और उसको जो लेंडर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मान लीजिए 200 का नोट है, अगर इसको लेंडर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर क्या होगा? तो आप सीधे इसमें आरबीआई ने लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस नोट को सिंपली लेके जाएंगे आरबीआई में और वो आपको 200 की जगह या तो 100 के 2 दे देगा या कुछ भी दूसरे डिनोमिनेशन में दे देगा, पर वो आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई रिफ्यूज़ नहीं करता, ठीक है, कैश को। अब बात आती है कि जो कमोमोरेटिव कॉइन्स है, कमेमोरेटिव कॉइन्स, ये लीगल टेंडर है या नहीं? तो देखो, फिएट मनी तो है, ठीक है, क्योंकि इनको सरकार जारी कर रही है और फिजिकल डिजिटल रूप में है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी जैसे कि 150 रुपीस के कॉइन्स निकले थे, यानी उसके ऊपर छपा हुआ था 150 रुपीस, और पर्टिकुलर एक किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर निकाले जाते हैं कॉइन्स, ठीक है, या तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो इन कॉइन्स को या तो सरकार नोटिफाई कर दे कि हाँ ये लीगल टेंडर है, तब वो लीगल टेंडर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक कॉइन आते थे पहले ₹10 जो होता है, 10 रुपये का सिक्का, उस पर स्वामी चिन्मयानंद बने रहते हैं। ठीक है, चिन्मयानंद, तो ये कॉइन जो थे ये कमोमेरेटिव कॉइन है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाल के बोलते कि ये लीगल टेंडर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लीगल टेंडर बन गए, यानी कमोमेरेटिव कॉइन हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, इन टॉपिक्स का ऐसा है, जितना कम सोचा जाए उतना अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो देखिए, कॉइन्स में जो 25 पैसा है वो हो चुका है डीमोनेटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीगल टेंडर नहीं है। इसके ऊपर अगर देखें 50 पैसा और इससे ऊपर सारी जितने भी आते 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, ये सब लीगल टेंडर है। हालांकि ये जो लीगल टेंडर है इनको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। क्यों? क्योंकि इससे आप एक लिमिटेड अमाउंट ही पे कर सकते हैं, जो कि कितना, जो कि 1000 रुपीज़। और जो नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ठीक, आप उनसे लाखों करोड़ों की पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ठीक है, आई थिंक 2 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करने पर हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि भाई ये कहाँ से आया या कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी कि 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन चेक से होगा, ओनली चेक वगैरह, ऐसे कुछ रूल्स भी है। ठीक है, लेकिन एक जनरल लेवल पे देखा जाए तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता, कौन, नोट्स। जो कॉइन्स है वो लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर्स होते हैं।
उसके बाद एक चीज़ आती है, एक ऐप है मनी, जो कि आरबीआई ने बनाया है। असल में नोट डिटेक्ट करके बताता है, ठीक है, यानी जो लोग पर्टिकुलर देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए ये ऐप बनाया है मनी। ये क्या करेगा, ये नोट को डिटेक्ट करके साउंड वगैरह जो है वो निकालेगा, ठीक है, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ जो भी है। ओके, अब बैंक नोट के कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला तो ये है कि ज़ीरो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर 2000 रुपीज़ रखे हुए हैं, और मान लीजिए कि आप एक साल बाद देखते हैं कि इन्फ्लेशन 10% हो गया, और आप आरबीआई में जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो 2000 रुपीज़ नोट आपने दी थी ये वापसी करिए और मुझे 2200 रुपीज़ दीजिए, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन हो गया। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ज़ीरो इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़, ये पी नोट की तरह होते हैं या बॉन्ड की तरह भी होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके का ये बॉन्ड ही था, ठीक है, जो कि आरबीआई ने आप लोगों को दिया, जिसमें प्रॉमिस है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, कि आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको उसी वैल्यू का जो भी उस पर छपी हुई है, ठीक है, वो आपको वापसी मिल जाएगी। तो ये एक प्रकार का पी नोट या बॉन्ड भी है। थर्ड अगर हम देखें तो ये एनोनिमस बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, एनोनिमस बेरर बॉन्ड, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि 2000 की नोट आपके पास थी, यहाँ से चोरी होके किसी और के पास चली गई, अब वो गया दौड़ते दौड़ते आरबीआई में और उसने ये नोट दी, तो आरबीआई क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करके 500 के 4 दे देगा। इसका मतलब ये है कि इस नोट पे पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखा रहता ओनर का, कि ये कौन है या क्या है। अब एक चीज़ और होती है, उसको कहते हैं रीडिनोमिनेशन। रीडिनोमिनेशन जैसे कि ईरान के अंदर जो था तोमान नाम की करेंसी थी, सो ईरान की जो तोमान थी उसे रीडिनोमिनेशन किया था। इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेशन करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी वैल्यू फिर से सेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ईरान या कहीं पर भी जगह है, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मैं यानी कि एक पर्टिकुलर छोटी से छोटी ब्रेड के वगैरह चीज़ खरीदने के लिए भी मेरे को 1 लाख रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है, यानी 1 लाख रुपये ले जाओ तब जाके ब्रेड मिलेगी। इसको बोलते हैं हाइपर, बहुत ज़्यादा लेवल का इन्फ्लेशन होता है ये, ठीक है। ये आई थिंक वेनेजुएला वगैरह में हुआ था, जब उन्होंने करेंसी प्रिंट कर दी थी बिना किसी एसेट के, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये चीज़ चल रही है तो क्या होगा, अब छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बैग भर भर के पैसा ले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट सिंपली क्या करेगी, ये जो करेंसी है इसको रीडिनोमिनेशन कर देगी। कैसे, वो बोले कि अब से, ठीक है, पुरानी जो 1 लाख रुपए होते थे, हम नई करेंसी ला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पुरानी करेंसी का नाम था ए, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि 1 लाख ए के बदले अब हम नया ला रहे हैं वो है बी, और वो इसके बराबर होगा। तब क्या होगा, अब अगर किसी को ब्रेड लेने जाना तो वो नई करेंसी का सिर्फ 1 रुपया लेके जाएगा और उसको ब्रेड मिल जाएगी। इसको कहते हैं रीडिनोमिनेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन से बचने के लिए किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप आते हैं मनी के, टाइप्स थे, टाइप्स में हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, तो टाइप्स में हम लोगों ने कमोडिटी मनी देखा जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, फिर मेटेलिक मनी देखा, सॉरी कमोडिटी वैल्यू, हाँ बिल्कुल इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, मेटेलिक मनी देखा जिसकी भी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और ये मेटल का बना होता है, प्रीसियस जो भी होते हैं, ठीक है। फिर हमने पेपर मनी देखा, पेपर मनी के अंदर हमने क्या देखा, फिएट देखा, ठीक है, लीगल टेंडर देखा, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है ये सब देखा, मेटेलिक में हमने डीबेसमेंट भी देखा क्या होता है कॉइन का, ठीक है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि बैंक मनी। बैंक मनी में आते हैं कौन कौन, जो भी हमने डिपॉजिट किया वो, ठीक है, जैसे बैंक में डिपॉजिट जो दिखता है वो, ठीक है, डिजिटल पेमेंट, इनको बोलते हैं बैंक मनी। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन आता है, तो बैंक मनी होता है क्या, तो बैंक मनी वही होता है जो बैंक के अंदर हमने डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में 200 रुपीज़ था, तो जब तक ये मेरे हाथ में नोट है तो ये है पेपर मनी। मैं गया SBI बैंक,
उन्होंने बोला टेबल नंबर 6 पे जाओ, मैं वहाँ गया। उन्होंने बोला 9 पे जाओ, मैं वहाँ गया। तब जाके उन्होंने मेरे पैसे डिपॉज़िट किए। डिपॉज़िट करने के बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा, उसके अंदर योनो ऐप देखा, तो उसमें बता रहा था कि योर बैलेंस इज़ 200 रुपीज़। यानी कि ये 200 की नोट जो मेरे हाथ में फिज़िकल फॉर्मेट में थी, अब वो मुझे यहाँ दिख रही है एक डिजिटल फॉर्मेट में। बस इसी को मैं कहूँगा ये है बैंक मनी। अगर ये तो बैंक में पैसे जमा करें, इसको मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? तो डेबिट कार्ड से। तो यानी क्या हो गया, डेबिट कार्ड भी एक प्रकार का बैंक मनी हो गया। चेक, मैं चेक इशू कर सकता हूँ, 200 रुपये में चेक इशू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बैंक मनी हो गया, ठीक है? या फिर मैं NEFT, RTGS वगैरह के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहा हूँ, UPI, ठीक है, पेटीएम वगैरह में जो हम बैलेंस चेक करते हैं कि आपका बैलेंस 200 रुपये है, ठीक है? तो ये सब क्या है, बैंक मनी के एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें बैंक मनी में चेक की। चेक क्या होता है? तो चेक देखिए 3-पार्टी सिस्टम होता है। 3-पार्टी सिस्टम कैसे? मान लीजिए कि अभी मैंने जो बैंक में 200 रुपये जमा करे, तो एक तो हो गया मैं जो चेक इशू करूँगा, ठीक है? यानी कि ड्रॉवर बोलते हैं इसको, ठीक है? यानी कि मैंने अगर चेक दिया अपने दोस्त को, वो मेरे से 150 रुपये मांगने आया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उसको 150 रुपीज़ का चेक बना के दिया, तो मैं हूँ ड्रॉवर। ये चेक मैंने जिसको दिया, यानी मेरा दोस्त, वो क्या है, तो वो है पेई, ठीक है? ये वो 150 रुपये का चेक ले जाके देगा मेरी बैंक में, जो कि कौन सी थी, SBI, ठीक है? वहाँ देगा, उसको ये 150 रुपये का चेक जो है कैश में मिल जाएगा, यानी कि 150 रुपये नोट बन जाएगी, ठीक है? तो ये बैंक को मैं बोलूँगा ड्रॉई बैंक, ड्रॉई बैंक। तो ये 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? अब इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या ये रहती थी कि चेक स्टेल हो जाता था। मान लीजिए कि इसमें जो तारीख लिखी है 20, और मेरे दोस्त ने बोला कल जाऊंगा कल जाऊंगा कल जाऊंगा, और हो चुकी है 22, तो चेक स्टेल हो जाता है। हालांकि स्टेल ऐसे नहीं होता, स्टेल के लिए एक लिमिट है, वो है 3 मंथ, ठीक है? यानी 3 महीने तक विड्रॉ ही नहीं किया, यानी मैंने जो तारीख डाली थी, ठीक है, उसके 3 महीने बाद तक वो भाई गया ही नहीं, तो उसको बोल देंगे स्टेल चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने उसमें 20 तारीख डाली थी और ये 22 को गया, इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड, ठीक है? तो ये है चेक। अब इसमें चेक के भी कुछ टाइप होते हैं, टाइप जैसे एक टाइप जो होता चेक का, वो होता नो क्रॉसिंग। नो क्रॉसिंग इसमें क्या होता, इसमें वो जो चेक मैंने दिया था 150 रुपीज़, उसमें यहाँ पे कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे दोस्त को मार कूट के ये चेक कोई और छीन के ले गया और बैंक में जमा किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको भी 150 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है? एक होता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि मैं ऐसे 2 लाइन खींच दूँ। तो क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस चेक में इसी मैं साइन लगा के दूंगा, जिससे क्या होगा, इससे ही कंफर्म करेंगे पहले, ठीक है, कंफर्मिटी रहेगी। दूसरी चीज़, ये जो कैश है, ये कैश हैंड में नहीं होगा, ये कैश उसके जो भी रेसिपियंट है, यानी जो भी उस चेक को लेके गया, उसके बैंक अकाउंट में होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे अगर कोई फ्रॉड होता भी है तो रिकवरी आसान हो जाएगी। और नो क्रॉसिंग वाले में क्या था, वो गया, उसने बैंक में दिया और 150 कैश लेके चले गया, अब फ़ोन था क्या था पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है DD। DD क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं जिसे, डिमांड ड्राफ्ट। तो ये मोस्टली लोन वगैरह में काम आता है कि बैंक जो रहती, जैसे बच्चे ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट ने लोन लिया बैंक से, तो बैंक क्या करेगी, हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में जो फीस भरनी होती, वो फीस जी, मान लीजिए फीस है 40,000, तो 40,000 की DD बनाएगी। स्टूडेंट इस DD को कॉलेज में जमा करेगा, ठीक, और फिर कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज इस पैसे को बैंक से विड्रॉ कर लेगा, ठीक है? उसके बाद जो सेविंग डिपॉजिट है, थर्ड टाइप है डिपॉजिट। डिपॉजिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है? ये DD अलग है, डिमांड डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, ठीक,
डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट में भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब आगे आएगा, ठीक है। बस ये भी सारे जो हैं वो टाइप्स हैं बैंक मनी के। और सबसे आखिरी में जो आता है वो आता है डिजिटल करेंसी, यानी कि वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने जैसे देखा कमोडिटी मनी हो गया, मेटलिक मनी, पेपर मनी, अभी बैंक मनी भी देख लिया। अब जो आखिरी टाइप बचता है वो है क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, और ये होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि इसको कोई बैंक वगैरह नहीं निकालता, ठीक है। और इसको एक तरीके से माइनिंग की जाती है, ठीक है। माइनिंग इन द सेंस, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप होते हैं, उसको माइन करो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, तो एग्जांपल इसका है बिटकॉइन जो होता है, ठीक है, बिटकॉइन या फिर इथेरियम कॉइन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन जो थे, ये सब क्या थे, तो ये थे क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, जिसको कई बार डिजिटल मनी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या होता है, तो देखिए अभी तक क्या हो रहा है, हमारे हाथ में जो नोट है वो RBI प्रिंट करता है, ठीक है। यानी RBI की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी तो नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ही है। उन फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, उन फैक्ट्रीज़ में कागज़ वगैरह रॉ मटेरियल जाता है, कागज़ इंक वगैरह, और वहाँ से नोट छप के आती है, ठीक है। जो हम नोट देखते हैं छप के आती है, ठीक है। इसमें RBI को कम से कम करोड़ों का खर्चा लगता है, ठीक है, यानी करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है इसको प्रिंट करने में लगते हैं। तो मान लीजिए कि RBI हर साल 1 लाख रुपीज़ प्रिंट करती है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो RBI को 1 लाख रुपये प्रिंट करने में कितना लग रहा है, मान लीजिए 1000 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो RBI अब क्या सोच रहा है कि ये पैसे, क्योंकि ये पैसे होता क्या है, मान लीजिए ये प्रिंट हुए, अब ये आपके हाथ में कैसे आए, ठीक है, ये समझना पहले ज़रूरी है। एक मिनट, जब ये पैसे प्रिंट हो गए तो ये पैसे आपके हाथ में कैसे आएंगे, तो RBI जो है वो अलग अलग बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो मान लीजिए SBI, एक्सिस, ठीक है, और कौन सी, महाराष्ट्र, पंजाब बैंक, ठीक है, अलग अलग जो भी यूनियन बैंक, इनको क्या हुआ, इनको ये लोन देता है, ठीक है, लोन वगैरह हो गया। फिर ये गवर्नमेंट को भी पैसा देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत 6000 रुपये, ठीक है, पर ईयर आप लोगों के अकाउंट में डालेगी। ये एक्सिस बैंक, SBI, जिसको इसने लोन दिया, ये आप लोगों को लोन देंगे, ठीक है, होम लोन, कार लोन, ठीक है, और लोन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके थ्रू क्या हुआ, ये जो मनी प्रिंट हुआ था ये अलग अलग माध्यम से आप लोगों के हाथ में आ गया, ठीक है। अब RBI क्या चाह रही है, RBI ये चाह रही है कि ये जो सिस्टम है प्रिंट का, इसको हटा दिया जाए। इन द सेंस कि RBI जो है डिजिटली इन लोगों को पैसा बांटे, डिजिटली गवर्नमेंट को पैसा दे, और वो हमारे खाते में वैसे भी डिजिटल दिखता है, ठीक है। जैसे अगर मैं योनो में चेक करूँगा तो वो मुझे बताएगा योनो ऐप के अंदर कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में 200 रुपीज़ है, तो ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक एक डिजिटली रूप में भी करेंसी बताती है तो वो उसको मैं वैलिडी मानता हूँ कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में है, मैं जब चाहूँ तब इसको निकाल सकता हूँ। तो RBI ने ये सोचा कि वो जो 1 लाख रुपये छाप रही थी उसमें से 50K छापेगी, यानी प्रिंट भी करेगी, ठीक है, करेंसी नोट, और बचे वो 50K जो है उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू इन बैंक में बांटेगी, ठीक है। और वही बैंक हमें जब लोन देती है तो लोन भी हमारे अकाउंट में आता है, ठीक है, हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं आता पूरा पैसा। तो क्या होगा, हमारे अकाउंट में मान लीजिए हमने लोन लिया 10,000 का, तो उसमें दिखाएगा 10K, ठीक है, तो वो यही डिजिटल मनी रहेगी। इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोट 200 रुपये मैं हाथ में लेके घूम रहा था बढ़िया, ठीक है, अब वो मैं मोबाइल में लेके घूम रहा हूँ, ठीक, किसी पर्टिकुलर ऐप में जिसमें दिखा रहा है कि हाँ 200 रुपीज़ बैलेंस। तो बस यही है, क्या है, CBDC, ठीक है। CBDC के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ये लीगल टेंडर है, तो बिल्कुल ये लीगल टेंडर है, ठीक है।
यानी हमारा जो पर्टिकुलर मनी होता है करेंसी, उसके जितने फीचर है सब इसमें है। ठीक है, ये लीगल टेंडर भी है, फिएट मनी भी है। ओके, बस अभी ये जो है प्रोजेक्ट बेसिस पे लागू हुआ था, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो यही था करेंसीज और मनी के बारे में। थैंक यू ऑल।